अमरीकी तजिया कार कारमाइकल कोगलमैन ने कहा है कि मशरक वस्ता में नए बहरान से पाकिस्तान को फायदा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माइकल कोगलमैन ने लिखा कि मशरक वस्ता में नए बहरान की वजह से इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहाली का मामला इल्तवा का शिकार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि अगर सऊदी अरब ताल्लुकात बहाल करता है तो पाकिस्तान को भी दबाव का सामना करना पड़ता है। अमरीकी तजियाकार ने कहा कि लेकिन पाकिस्तान का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इनका मुतालबा है कि पहले एक फलस्तीनी रियासत होनी चाहिए। वाज़ह रहे कि हफ्ते के रोज फलस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से यहूदी बस्तियों और इसराइल में रॉकेटों और जमीनी दस्तों के जरिए एक बड़ा हमला किया गया है। दूसरी तरफ इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने खबरदार करते हुए कहा कि हमले के जवाब में गजा पट्टी को वीरान जजीरे में तब्दील कर देंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने कहा कि हमास के अस्करियत पसंदों के हमले के बाद ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने गजा पट्टी पर रहने वालों को कहा कि वो इसराइल की जमीनी, फिजाई और समुद्री नाकाबंदी में हैं, फौरी तौर पर इलाका छोड़ दें। इसराइली रहनुमा ने टेलीविजन पर खिताब में कहा कि हमास के हमले का जबरदस्त इंतकाम लें और इसके तमाम ठिकानों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इन तमाम नौजवानों की कीमती जानों का भी बदला लें जिन्होंने इस हमले में जानें गंवाई हैं। मजीद कहा कि हम गजा को वीरान जजीरे में बदल देंगे। मैं गजा के शहरियों से कहता हूँ कि तुम्हें अब जाना होगा। हम पट्टी के हर कोने को निशाना बनाएंगे।